Bismillahir Rahmanir Raheem. In the last lecture, we started portfolio theory of money demand, and now in this lecture, we will try to complete this portfolio theory. So, we have already discussed in portfolio theory that there are two fundamental determinants of money demand, and those are income and interest rate. And these two determinants are ऑलसो टेकन इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थेरी तो अपू दिस पॉइंट बोथ थे कॉमन डिटॉमेंट फार मनी डेमे लेकिन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया पिछली लेक्चर में कि उनकी रीजनिंग डिफरेंट तो रीजनिंग डिफरेंट है तो लेकिन कॉन्क्लूजन सेम है तो इसका मतलब है कि क्या पोर्टफोलियो थेरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थेरी बिल्कुल एक जैसी है नहीं

वो अदर डिटामिनेट्स हैं मनी डिमांड हम उनको कहेंगे अदर डिटामिनेट्स ऑफ मनी डिमांड और ये सिर्फ पोर्टफोलियो थ्योरी में है ये पिछली थ्योरीज में नहीं थे ये कौन से हैं वेल्थ है रिस्क है लिक्विडिटी है, है और पेमेंट टेक्नोलॉजी और यहां पे ये बात भी आपके जेहन में क्लियर हो जाए कि अब वेल्थ मैं दोबारा लिख रहा हूं जबकि पहले मैं लिख चुका हूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था वहां वेल्थ और इनकम का एक ही मीनिंग है अब हम लिखते हैं वेल्थ विच इज नॉट रिलेटेड टू इनकम यानी कि जो इनकम से नहीं बढ़ी जैसे किसी को की तरफ से वेल्थ मिल गई वो उसकी अपनी कमाई हुई वेल्थ नहीं है देखें बात ये है कि वेल्थ किसी फॉर्म में भी हो आप कमा के उसेट करें या आपको वाले की तरफ से या किसी और तरह से मिल जाए वेल्थ का एक ही मतलब इस सेंस में जरूर होगा कि वेल्थ से ज्यादा हो जाता है एसिड की डिमांड तो वेल्थ अगर इनकम से रिलेटेड ना भी हो तो उससे मनी की डिमांड ज्यादा होगी हाँ फर्क एक होगा मैग्नीट्यूड का कि जो वेल्थ इनकम वाली वेल्थ है इनकम के जरिए आती है तो इनकम से आप ज्यादा मनी होल्ड करते हैं और वेल्थ के फॉर्म में भी वेल्थ ज्यादा हो तो मनी तो ज्यादा होल्ड करेंगे लेकिन प्रोपोर्शन वाइज कम क्यों क्योंकि ये एसेट नॉर्मली जायदाद की फॉर्म में आपको मिलते हैं जो आपने खुद नहीं कमाए उसमें जो है वो घर हो सकता है उसमें ज़मीनें हो सकती हैं उसमें गाड़ी हो सकती है फैक्ट्री हो सकती है तो वो उनका चूंकि रोल ज्यादा होता है इस तरह की वेल्थ में तो इसका मनी डिमांड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट जरूर आएगा लेकिन क्वांटिटेटिवली ये इफेक्ट कम हो दूसरा रिस्क अब जब हम रिस्क की बात करते हैं तो यहां पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मनी के ऊपर रिस्क होता भी है या नहीं पोर्टफोलियो में ये पढ़ चुके हैं कि रिस्क किसी भी एसेट की डिमांड में अपना रोल प्ले करता है तो, तो क्वेश्चन तो रुपया लिखा हुआ है वो पांच साल भी पड़ा रहे उसके ऊपर एक हजार रुपया ही लिखा होगा मनी नॉमिनल फॉर्म में रिस्की नहीं लेकिन मनी रियल फॉर्म में रिस्की होती है क्यों कि पांच साल बाद उस हजार रुपए की वैल्यू वो नहीं रहेगी जो आज है लिखा तो हजार रुपया रहेगा वैल्यू कम हो जाएगी इसलिए रिस्क को मैं दोनों तरह से डिस्कस करूंगा नॉमिनल फार्म में भी और रियल फार्म तो जब हम कहते हैं कि हम नॉमिनल की बात करें तो देन मनी इज रिस्क फ्री मनी रिस्क फ्री तो अगर मनी रिस्क फ्री हो और बाकी एसेट्स रिस्की हो तो इसका मतलब यह है कि मनी का रिलेटिव रिस्क कम है बाकियों के मुकाबले मनी रिस्क फ्री है बाकी रिस्की है मनी का रिलेटिव रिस्क कम हो गया तो जिसका रिलेटिव रिस्क कम होगा उसको लोग ज्यादा होल्ड करते हैं तो इसलिए रिस्क वाली साइड से चूंकि मनी का रिलेटिव रिस्क कम है तो इसलिए लोग मनी डिमांड को बढ़ा देते लेकिन अगर आप रियल साइड से देखें तो उल्ट हो जाएगा और रियल साइड का असल मीनिंग यह है कि अगर आपकी इकॉनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो उसी वजह से आपकी नॉमिनल जो मनी है उसकी रियल वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपकी रियल वैल्यू की मनी रिस्की होता है तो अगर अदर एसेट्स के ऊपर आप रिस्क देखें तो वो जो गिवन है उसके साथ आपकी इकॉनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा होने लग जाए तो मनी रियल वैल्यू के सेंस में ज्यादा रिस्की हो जाएगा देन पीपल विल कन्वर्ट देयर मनी इनटू अदर एसेट्स लोग मनी की डिमांड उल्टा कम कर देंगे क्यों पोर्टफोलियो थेरी के मुताबिक जिसका रिलेटिव रिस्क बढ़ जाए उसकी डिमांड कम हो जाए तो यूं हम पोर्टफोलियो को अप्लाई करते जा रहे हैं मनी की डिमांड के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर मनी और लिक्विडिटी को हम बड़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यह क्या चीज आपको पता है मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट जो एसेट्स आप ले सकते हैं उनमें सबसे लिक्विड एसेट मनी होता है तो अगर अदर एसेट्स की की लिक्विडिटी हम बात करें देखें एक बात याद रखें मनी तो ऑलरेडी लिक्विड है उसकी लिक्विडिटी बढ़ बढ़ाने की बात तो हम नहीं कर सकते तो मनी तो ऑलरेडी मनी इज मोस्ट लिक्विड एसेट तो जब मैं कहता हूँ लिक्विडिटी बढ़ गई इट डजेंट मीन कि वो मनी के ऊपर बढ़ गई पोर्टफोलियो में बाकी एसेट्स भी तो पड़े हैं तो अगर हम ये केस ले लें कि बाकी एसेट्स की लिक्विडिटी बढ़ गई तो बाकी एसेट्स की लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब ये है कि मनी की रिलेटिव लिक्विडिटी कम हो गई पहले बाकी कम लिक्विड थे मनी अकेला चैंपियन था तो मनी बहुत रिलेटिव साइंस में लिक्विड था अब क्या हुआ बाकी एसेट्स भी लिक्विड होना शुरू हो गए तो मनी की रेलेटिव लिक्विडिटी तो कम हो गई ना तो मनी की रेलेटिव लिक्विडिटी कम हो तो जिस एसेट की भी रेलेटिव लिक्विडिटी कम हो पोर्टफोलियो थेरी के मुताबिक आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं तो मनी की अगर रिलेटिव लिक्विडिटी कम होगी यानी कि बाकी एसेट्स की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो मनी डिमांड की लिक्विडिटी मनी सॉरी मनी डिमांड कम हो जाएगी पेमेंट टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है पोर्टफोलियो थ्योरी के मुताबिक कि आपको पता है कि ओवर टाइम पेमेंट मोड या पेमेंट मेथड्स एडवांस होते जा रहे हैं पेमेंट टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है ये हम एक लेक्चर में पहले बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एडवांस फॉर्म में मनी है इलेक्ट्रॉनिक और ई e मनी उस तक हमने बात की जबकि हमने स्टार्ट किया था बार्टर सिस्टम से तो मनी की जो पेमेंट टेक्नोलॉजी है चूंकि इंप्रूव होती जा रही है जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है तो याद रखें जितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है उतनी ही आपको मनी होल्ड करने की जरूरत कम होती है जेब में क्रेडिट कार्ड है देन यू डोंट नीड टू होल्ड मनी आर पुट मनी इन यूर पॉकेट वो नहीं है क्यों क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कर लेंगे इफ क्रेडिट कार्ड इज एक्सेप्टेबल एट यूर शॉपिंग सेंटर तो कोई मसला नहीं है इसका मतलब यह है कि अगर पेमेंट टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी और उसके में क्रेडिट कार्ड की एक एग्जांपल दे रहा हूं तो आपकी मनी की डिमांड कम हो जाएगी इसलिए कि अब मनी पास रखने की जरूरत ही नहीं थैंक यू